सो हेलो लवली पीपल, कैसे हो आप सब। सो अगेन वी आर बैक विद द न्यू वीडियो गाइस। सो हम लोग आ चुके हैं मनीष कार सीट कवर एक्सेसरीज पे, करोल बाग में भैया की शॉप है, भाई कोने की शॉप है, अल्टीमेट शॉप है, और अल्टीमेट काम हम आज अपनी रिट्स के अंदर करने वाले हैं। तो मारुति की रिट्स है भाई, रिट्स के अंदर काफी सारा काम इसके अंदर अपन करने वाले हैं। क्या क्या काम होगा आपको वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। पहले तो देखो, अपने जो टेल लैम्प होते हैं, टेल लैम्प को प्रॉपर यहाँ पे ब्लैक में रैप किया गया है, छत अपनी रैप हुई है, अलॉय व्हील इसके अंदर डलने हैं, अलॉय व्हील के ऊपर लाइट लगेगी, हैंडल क्रोम लगा है भाई, और अल्टीमेट लेवल का काम जो हुआ अपने इंटीरियर में हुआ है। देखो काफ़ी अच्छा काम अपना इंटीरियर में अपना हो रहा है, सीट कवर में हो गया, डैशबोर्ड हो गया, पिलर्स हो गया, सभी में जो इंटीरियर है लेदर रैप हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा काम अपने आज इंटीरियर में होने वाला है। तो अगेन जितनी भी चीज़ें होनी है, जितना भी काम होगा, आपको ए टू जेड प्रोसेस दिखाने वाला वीडियो में, वीडियो साथ बने रहिए। वीडियो काफ़ी अल्टीमेट लेवल का बनने वाला है, काम काफ़ी आज अपन अच्छा करके देने वाले हैं। सो जैसे जैसे फिटमेंट रहेगी भाई, ए टू जेड आपको दिखाऊंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और जुड़े हमारे चैनल के साथ और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स के लिए। सो भाई अगेन अपनी रिट्स के अंदर देखो, जो रिट्स में प्रॉपर अपने अलॉय इंस्टॉल हुए, तो भाई वॉशन के अपने देखो, वॉशन के अपने इसके अंदर अलॉय इंस्टॉल हुए। पीछे की तरफ अपने ड्रम होते हैं और आगे जो ब्रेक कैलिपर है, डिस्क के कैलिपर्स होते हैं, वो पेंट हुए रेड कलर में, और जो अपने सिल्वर कलर के अलॉय हैं, तो काफ़ी अच्छा इसका लुक निकल करके आया। और जो टायर की प्रोफाइल है, जो अलॉय की प्रोफाइल है, 14 इंचेस के अपने अलॉय इंस्टॉल हुए। और यहाँ पे एक और चीज़ हुई, अगर आप अंदर नोटिस कर पाओगे तो यहाँ पे DRL इंस्टॉल हुआ है। सो DRL लाइट की प्रॉपर यहाँ पे टाइबल के साथ वायरिंग की गई है भाई, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक लुक क्रिएट कर देता है आपके टायर्स में, आपके अलॉय के अंदर। अगेन रेड कैलिपर के साथ या रेड ड्रम ब्रेक के साथ ये काफ़ी अपना अच्छा लग रहा है। सो अगेन भाई अपने रिट्स की सीट्स देख लो, तो बेसिकली अपने रिट्स की प्रॉपर जो फुल बकेट सीट कवर होते हैं, तो यहाँ पे फाइनली में हो चुके हैं रेडी, और यहाँ पे अपने रिट्स में सारा काम हो रहा है। मिलो मनीष भैया से, मनीष कार सीट कवर एंड एक्सेसरीज के ऑनर है, मैं आपको मिलवाऊंगा मनीष भैया से एंड में, वीडियो के एंड में जब अपनी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी, तो ऑनरशिप रिव्यू भी आपको बताने वाला हूँ। अपनी रिट्स के अंदर सारा काम कंटिन्यू है, जैसे मैंने आपको अलॉय दिखा दिए थे, इसके अंदर DRL इंस्टॉल हुआ है, और अलॉय के अंदर भी कैलिपर्स के ऊपर अपने जो DRL होते हैं वो भी इंस्टॉल हुए हैं, और जो इसके कैलिपर्स है उसको पेंट किए गए। तो भाई काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और पूरा इंटीरियर हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर बेस ट्यूब अपना इंस्टॉल हुआ है, जिसके अंदर इन बिल्ट अपना एम्पलीफायर आता है। अगेन इसके अंदर यहाँ पे एडिशन के अपने दो पेयर के स्पीकर्स इंस्टॉल हुए हैं, दोनों पेयर आगे भी इंस्टॉल हुआ है, पीछे भी इंस्टॉल हुआ है। तो कोएक्सियल स्पीकर है विद ट्यूटर इन बिल्ट आता है इसके अंदर, तो एडिशन के इंस्टॉल हुए, उसका रिस्पॉन्स आपको मैं चेकआउट करा दूंगा। और देखो यहाँ पे अपनी जो रूफ है, रूफ भी रैप की गई है, तो ब्लैक कलर का जो है इसमें रूफ को रैप किया गया है भाई। तो सोनी लैक्स का इसके अंदर अपना क्रेटा टाइप हॉर्न इंस्टॉल हो रहा है, उसका रिस्पॉन्स भी मैं आपको चेकआउट कराने वाला हूँ। तो भाई जितना काम होगा अपने रेट्स के अंदर, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सो भाई अपनी रेट्स का इंटीरियर देखो, बेसिकली जो अपना डैशबोर्ड होता है, तो प्रॉपर डैशबोर्ड पे भी यहाँ पे लेदर रैप किया गया है, स्टीयरिंग रैप हुआ है, सीट्स कवर अपने जो फुल बकेट सीट कवर इसके अंदर इंस्टॉल हुए, उसकी फिटमेंट आपको प्रॉपर मैं दिखाऊंगा अभी। अगेन यहाँ पे देख लो अपना 9 इंच का इसके अंदर एंड्रॉइड इंस्टॉल हुआ है विद फ्रेम, तो इसकी फिटमेंट भी काफ़ी एक्यूरेट है और ये बिल्कुल अंदर तक है। ऑन करके भी आपको दिखाया था मैं, देखो अगेन यहाँ पे ऑन भी हो चुका है अपना, तो भाई फिटमेंट काफ़ी एक्यूरेट है, आप साइड से भी चेकआउट कर सकते हो, कहीं पर भी आपको एक सिंगल गैप देखने को नहीं मिलता इसमें। अगेन भैया लोग आए हैं काफ़ी दूर से काम कराने के लिए, वीडियो देख करके आए थे अपनी, तो भैया से मैं आपको एंड में मिलवाऊंगा, इनका ऑनरशिप रिव्यू कैसा है मैं आपको भैया से मिलवा करके सारी चीज़ बताने वाला हूँ। अगेन अपनी पीछे की जो सीट्स है वो इंस्टॉल होना बाकी है, जैसे इंस्टॉल होगी उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। सो भाई अगेन अपनी रिट्स के अंदर जितना भी काम था सारा हो चुका है कंप्लीट, तो क्या क्या काम हुआ भाई आपको फ्रंट से बताता हूँ चलता हूँ। तो देखो फ्रंट में जो अपने हेडलाइट है, हेडलाइट के ऊपर यहाँ पे DRL इंस्टॉल हुआ है, फ्लोटिंग DRL होता है जो इंडिकेटर पे आपके फ्लोट करता है, काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहने वाला है। क्रेटा वाला जो हॉर्न आता है वो भी इंस्टॉल हुआ है, मैंने उसका आपको प्रोसेस दिखा दिया था, और उसका साउंड रिस्पॉन्स भी आपने चेकआउट किया होगा। कैलिपर्स पे देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे DRL इंस्टॉल हुआ है, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा लुक आपकी गाड़ी में क्रिएट कर देता है। अलॉय इंस्टॉल हुए थे इसमें वॉशन के, तो भाई अलॉय की प्रोफाइल देख लो, यहाँ पे जो टायर प्रोफाइल है आपको 14 इंचेस के दिख जाएंगे। अगेन काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लुक इससे अपनी गाड़ी में आ चुका है। यहाँ पे देखो अपने जो है हैंडल क्रोम भी प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं, फोर सुजुकी यहाँ पे जो रिट्स के हैं यहाँ पे मेंशन को रखा है, फोर रिट्स, यहाँ पे रिंड वाइजर भी इंस्टॉल हो चुके हैं। सो अगेन भाई अपनी गाड़ी में जो मेन काम हुआ है वो इंटीरियर में हुआ है, तो जितने भी गत्ते देख रहे हो, पिलर्स देख रहे हो, प्रॉपर यहाँ पे इंटीरियर को बनाया गया है। सेम जो अपना सीट कवर का कपड़ा है उसी कपड़े में इसको रेडी किया गया है। अगेन देख लो जो अपने डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे अपने जो 9 इंच का एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड भी इंस्टॉल हुआ है विद फ्रेम, तो इसकी फिटमेंट मैंने आपको दिखाई थी। जो पूरा डैशबोर्ड है और पिलर्स देख लो, पिलर्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे रैप किए गए। अगेन देख लो अपने बैक वाली सीट पे भी काफ़ी अच्छा काम हो गया है। बेसिकली होता है क्या, फुल बकेट सीट कवर होते हैं, तो इसकी सिलाई खोल करके इसकी फिटिंग की जाती है, तो अगेन काफ़ी अच्छी फिटमेंट इसकी हो चुकी है। एडिशन के स्पीकर्स इंस्टॉल हुए थे, उसका बॉक्स मैंने आपको दिखाया था, और पीछे की तरफ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो देखो पीछे की तरफ अपना जो टेल लैम्प है, इसमें टेल लैम्प में प्रॉपर रैपिंग की गई है, रूफ इसमें ब्लैक कलर की रैप हुई है। तो भाई पीछे की तरफ क्यूक साउंड का जो अपना सब वूफर इंस्टॉल हुआ है, तो बेसिकली क्या है इसके अंदर इनबिल्ट आपका एम्प रहने वाला है, तो 10 इंचेस के रहने वाला है, इसका भी साउंड रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। मैं इधर की तरफ दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पे जो आप पार्ट देख रहे हो बेसिकली इनबिल्ट इसमें एम्पलीफायर आता है अपना, और इसके हेडरेस्ट भी देखो, हेडरेस्ट भी प्रॉपर बनाया गया है, बट भैया ने वहाँ पर इंस्टॉल नहीं कराया फ्रंट में।
पीछे की तरफ यहाँ पे अपना कैमरा भी इंस्टॉल हुआ है, तो इसकी प्रॉपर फिटमेंट आप अगेन चेकआउट कर सकते हो। रिफ्लेक्टर इंस्टॉल हुआ है, रिफ्लेक्टर भी आप देख लो काफ़ी अच्छी है। और नीचे की तरफ जो टो हुक आता है तो रेड कलर में अपना, वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो गाड़ी के अंदर जितना काम था सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है वीडियो में। अगेन ये बैक प्रोफाइल से देख लो अपनी रिट्स, तो रिट्स का काफ़ी पुराना हाई वेरियंट था और उसमें भैया ने पूरा इंटीरियर करवाया, पेंटिंग वेंटिंग सारा काम कराया था भैया ने। गाड़ी आई थी अपने पास मनीष कार सीट करने एक्सेसरीज पे, तो सीधा चलते भाई ऑनर के पास और ऑनरशिप रिव्यू आपको बताता हूँ। सो ये सामने मनीष भैया, मनीष कार सीट कवर एंड एक्सेसरीज के ऑनर, सो अपने पास आए थे प्राउड ऑनर रिट्स के। तो मैं भैया से रिक्वेस्ट करता हूँ अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौरव है, गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से आए भैया, ठीक है। तो आपको भैया के बारे में पता कैसे चला था? तो यूट्यूब से ही वीडियो देखी थी और कुछ मेरे दोस्तों ने काम कराया हुआ था, तो उन्होंने मेरे को लिंक भेजा कि ऐसे अच्छा काम करते हैं, तो आप वहीं पे काम करा लो। आप अभी काम से सेटिस्फाइड हो? 100%। जैसा भी आपकी जो गाड़ी है पुराने मॉडल की थी, आपने जो इसमें इंटीरियर कराया है अल्टीमेट लेवल का था। अल्टीमेट था, बिल्कुल मेरे को तो मतलब बिल्कुल मजा आ गया ना। बिल्कुल मजा आ गया। और इसके अंदर आपने एंड्रॉइड भी लगाया, उसकी फिटमेंट आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सारा काम में बहुत अच्छा किया, टाइम थोड़ा टाइम ज्यादा लिया है पर काम अच्छा किया भैया। इंटीरियर एक ऐसी चीज है जो टाइम के साथ अपना आप कराओ तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो अगेन भाई, भैया ने सारा काम करा लिया, आपने सारा प्रोसेस देख लिया वीडियो का, वीडियो आप काफी अल्टीमेट बन गई है, अपनी गाड़ी जो है काफी अच्छी तैयार हो गई है। सो आप किसी को रिकमेंड कर सकते हो यहाँ पे आने के लिए? हाँ बिल्कुल भैया, जो मेरे सर्कल में हो, फ्रेंड में हो, सर्कल में हो, ना सबको मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे। भैया मेरे अलावा कहीं और नहीं गया ये। अच्छा, डायरेक्ट मैंने कॉल किया, भैया ने मेरे पास लोकेशन भेजी। हाँ, लोकेशन थ्रू मैं सीधा यहाँ पे, मैं किसी के पास नहीं गया। मेरे अलावा किसी और से काम भी करवाया, जैसे स्पीकर हो गया, एंड्रॉइड जो भी है, मैंने जो भी अपने कार में काम करवाना था सारा ही काम मैंने यहाँ से कराया, लाइटिंग के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, सिस्टम वाला काम और इंटीरियर सारा काम मैंने भैया से कराया। चलो भाई, ये एक ट्रस्ट होता है जो मनीष भैया ने अपना बनाया हुआ है, बरकरार है इनका ट्रस्ट। भैया आए और सीधा काम कराया। अच्छा, इन्होंने जो प्राइसिंग बताई, प्राइसिंग आपको सही लगी? रीजनेबल प्राइस बताई। चलो भाई, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको आना हो आप आ सकते हो मनीष कार सीट कवर एक्सेसरीज पे। शॉप की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी।